बीकानेर से एक महिला की सांस नली में सुपारी अटकने की खबर आई है। दरअसल बीकानेर की 47 साल की एक महिला के 2 महीने पहले सांस नली में 4 सेंटीमीटर की सुपारी अटक गई थी, जिस वजह से महिला को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। महिला पिछले 2 महीने से इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। महिला राजस्थान में कई सारे अस्पतालों में दिखा चुकी थी, लेकिन हर जगह से उसको नली में फंसी सुपारी निकालने का कोई उपचार नहीं मिल रहा था। महिला ने यह भी बताया कि उससे पहले बीकानेर में उसका ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन डॉक्टर्स इसमें सफल नहीं हुए। सभी डॉक्टर्स ने उसे कठिन बताया कि इसमें जान जाने के रिस्क है। इसके बाद महिला की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती गई और महिला सिर्फ एक ही नली से सांस ले पा रही थी। महिला की सांस नली पूरी तरह जाम हो गई थी, क्योंकि सुपारी 2 महीने में फूलकर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे सांस नली पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। उसके बाद महिला ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दिखाया, जहां उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर्स का कहना है कि महिला को ऑपरेशन ब्रोनोस्कोपी तकनीक से किया गया है, वो भी बिना चीरा लगाए, यानी कि सुपारी निकालने के लिए न तो गले पर कोई चीरा लगाया गया और न ही चेहरे पर। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी टीम के लिए ऑपरेशन करना बहुत ही जटिल था, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने डिस्कस करके इस ऑपरेशन को करने का तय किया। फंसी सुपारी को निकालने में लगभग 45 घंटे का वक्त लगा और एंडोस्कोपी के जरिए महिला के नाक में एक तार डाला गया और सावधानीपूर्वक सुपारी निकाल दी गई।